कैसे हैं आप लोग? बस अभी अभी सोकर उठी हुई हूँ, बालकनी में अपने आई हूँ, थोड़ी धूप ले रही हूँ। तो देख सकते हैं पीछे चिल्ली उठ गई, मतलब उठती तो अपने टाइम से ही हूँ क्योंकि अभी कोई नीचे आ गया था, तो इसलिए मुझे जल्दी उठना पड़ गया आज। अभी आँख भी नहीं खुल रही है, देख भी नहीं पा रही हूँ, आँख भी नहीं खुल रही है, मतलब नींद नींद से भरी हुई है। अभी मैंने ब्रश कुछ नहीं किया, बस ऐसे ही सोकर उठी थी, बस ऐसे ही बालकनी में अपना निकल आई हूँ। सुबह सुबह ग्राउंड में बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है, आप लोग देख रहे हैं चहल पहल। हमारे घर से बाहर कब भी हुआ है, को दिखाती हूँ। अभी रूम में सब बंद है, लाइट वाइट सब बंद करके रखी है, एक ही मैंने सो लैंप जला के रखा हुआ है क्योंकि मेरी बेटी जाग ना जाए, इसलिए मैंने अभी लाइट ऑन नहीं करी है, लाइट बंद है मेरे रूम की। अभी वो शायद सो रही है, देखो लाइट ऑन करके देखती हूँ क्या कर रही है, आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैडम ऐसे ऐसे, मतलब हम लोगों का बेटा ऐसे ऐसे है, पूरा ये लेट गई थी और डायरेक्शन में जब तक बालकनी में गई तब तक ये पूरा घूम गई। ये देखो क्या हो रहा है बाबू, गुड मॉर्निंग बोल दो। अच्छा अच्छा आंखें बंद कर रहे हो, अरे 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 ऐसे उठोगी, ऐसे उठोगी। बस ये जब भी उठती है बस ऐसे ही करके सैतानी करके हंस के ही उठती है। अरे मेरा बच्चा, मेरा चोनू, अरे अरे कितना खुश, कितना खुश है मम्मा का बच्चा, कितना खुश है। आहा आहा क्या कर रही हो, क्या हो रहा है? सो जाओ, अभी आपकी नीनू पूरी नहीं हुई है, आप सो जाओ, सो जाओ, सो जाओ। सो गाइस, अभी इसका टाइम नहीं है उठने का क्योंकि वही है 10 बजे तक उठेगी, अभी 8 बजा हुआ है। मैंने यहाँ अपने कपड़े वॉश करने के लिए रख दिए हैं, कपड़े वॉश हो रहे हैं, आप लोग देख सकते हैं। मैं आप लोगों को पूरे घर में घूम घूम के दिखा रही हूँ, बता नहीं सुबह सुबह से आंख नहीं खुलती है, बट मेरे यहाँ अभी मॉर्निंग में कोई आ गया है, सो हम दोनों अभी जा रहे हैं नीचे, मुझे अभी इनके लिए चाय बनानी है क्योंकि वो रुकेंगे नहीं, बस सभी चले जाएंगे। और ये देखो इसको भी नीचे ले जा ले, इसको भी नीचे ले जा ले बाबू, नीचे जा ले, देख लो देखो 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 देखो, ओ ओ ओ मेरी चल, आप लोगों को उस दिन बताया था ग्राउंड में बहुत सारी गर्मियाँ, ये देख रहे हैं आप चारों तरफ
गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ भरी रहती हैं, कुछ तो गाड़ियाँ जो मॉर्निंग में ड्यूटी आते हैं उनकी चली गई हैं। सो उसको लेके ऊपर आ गई हूँ। दादी क्या कह रही थी, एनी ने पोती कर दिया, पोती के लिए आपने, मुझे तो नहीं लग रहा पोती के लिए। मम्मी ने बोला देखो इसने पोटी होटी तो नहीं करती है, लेकिन इसने तो कुछ ना किया, कुछ ना किया। हाँ बाल देख लीजिए, बाल छलालते हो नहीं है लड़की के। मटू मटू मचू 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 मचू, बस इसको घुमाए रो, रूम में ना ले जाओ हैं, तुमको घुमाते रहे ऐसे रूम के अंदर ना ले जाए। चलो 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 चलो, बंद हो गया दरवाजा। देखिए आप तो इसकी चल रही है पैरों की मालिश, ये कितना खुश हो रही है, मालिश में ये बहुत ही ज्यादा खुश होती है। क्यों आ आ बहुत ही ज्यादा खुश हो गई मेरी एनी। हाँ खुश खुश होके मालिश कराती है। आप लोग जानना चाहते हैं कि मैं अपनी बेटी की मसाज किस ऑयल से करती हूँ, अगर आप लोग मेरी बेबी की मालिश देखना चाहते हैं तो प्लीज गाइस आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझसे जरूर शेयर कीजिएगा। मैं आप लोगों को आगे जरूर दिखाऊंगी कि मैं अपनी बेबी की मालिश किस ऑयल से और कैसे करती हूँ। सो प्लीज गाइस मुझे आप लोगों के कमेंट्स का वेट रहेगा, आप लोग कमेंट्स जरूर कीजिएगा। हेलो गाइस, बेटी सो चुकी है, अभी इसकी मालिश वालिश करके इसको नहलाया नहीं है, बस ऐसे स्पॉन्जिंग कर देती हूँ क्योंकि अभी इसके हिसाब से हल्की फुल्की ठंडी है, इसलिए गाइस उसको नहलाया नहीं है, बस हल्की सी स्पॉन्जिंग करके कपड़े चेंज करा दिए हैं मालिश करने में। देख रहे हैं कितनी प्यारी नींद हो गई है मेरी एनी, बच्चा ये सो गया। मैंने इसको ये रेड कलर की ड्रेस पहनाई हुई है जो मैंने इसको ये 25 दिसंबर को पहनाई हुई थी, यानी कि क्रिसमस डे पे। सो गाइस अब ये सो गई, थोड़ी देर मैं इसको अपनी गोद में ही ऐसी लटाए रहूँगी क्योंकि अभी इसकी कच्ची नींद है, जाग ना जाए कहीं। 10 मिनट तक मैं ऐसे ही इसको लिए बैठी रहूँगी, उसके बाद ही कोई काम धाम निपटाऊँगी। मेरे कपड़े जो डाले हुए थे धुलने को वो भी वॉश होने जा रहे हैं, उनको भी फैलाना है मुझे। टाइम कितना हो रहा है, टाइम आप लोग देख रहे होंगे, बजने जा रहा है 9:30। और आज है मंडे नहीं, आज ट्यूसडे है और आज 19 तारीख है। मेरा ये वीडियो देखती हूँ आज शाम तक अब तक पहुँचता है या कल मॉर्निंग तक पहुँचता है। चले गए तो फिर मैं अपने जले ले काम फ्री करके आप लोगों से मिलती हूँ आके। गाइस मैं अभी कपड़े फैलाने आई हुई हूँ,
ये प्लो कवर इस साइड मैंने डाल दिए हैं, और ये इधर साइड बेडशीट, ये कुशन कवर एंड ये वाली बेडशीट मैंने यहाँ चारों तरफ फैला के रख दी, क्योंकि मैंने ये बेडशीट वगैरह मॉर्निंग में ही धुलने डाल दी थी। सो मैंने सोचा चलो धुल भी गई है, नहाने से पहले इनको फैला दिया जाए, जब तक ये दोपहर तक ये सूख जाएंगी। अब काफ़ी अच्छी धूप होने लगी है, बस वही जल्दी जल्दी काम सारे निपटा रही हूँ। सकती हूँ सुबह सुबह की धूप काफ़ी अच्छी लगती है, बहुत ही अच्छा लगता है, मन करता थोड़ी देर धूप में बैठी रहूँ, बट अभी काम करना ज़रूरी है, काम करके जल्दी फ्री होते हैं। उसमें जा रही हूँ ब्रश करने, अभी तक ब्रश ही नहीं किया, आज पता नहीं क्या हो गया, मैं भूल गई मॉर्निंग से ब्रश करना ही। सो अब ब्रश कर रही हूँ, अभी नहाया नहीं है, और मैं नहाने से पहले वॉशरूम बाथरूम वगैरह और ये बेसिन में, आप लोग देख रहे हैं मैंने ये सब डाल के रखा हुआ है, बस नहाने से पहले इन सबको मुझे वॉश करना है। बस अभी सोचा जब तक ब्रश ब्रश कर लूँ, तब तक ये 5 मिनट में, 5 मिनट पहले मैंने डाल के रखा हुआ था, सोचा बस वही सब लगी पड़ी हूँ काम करने। मैं जा रही हूँ लंच करने, आप लोग देख रहे हैं बाल मेरे ऐसे ही खुले हुए हैं, मैंने अभी अपने बाल नहीं सुलझाए हैं, आप लोगों को बताऊंगी मैं मेरे साथ अभी क्या हुआ। बस आज मैंने बनाया खाने में मूंगी दाल, आलू की सब्जी एंड रोटी। सो गाइस बस अभी मैं खाने जा रही हूँ।
हेलो गाइस, मैं बिस्तर रेडी हो गया है। ये मैं अपने बेटे के लिए भी यहाँ पे मैटी बिछाती हूँ। अभी वो नीचे मम्मी वाले रूम में लेटी हुई है, तो मैं दो मैटी रखती हूँ, एक नीचे के लिए एक ऊपर के लिए। अभी ऊपर मैंने ये वाली बिछा के रखी हुई है और ब्लैंकेट अभी उसने और रखा है, और एक ब्लैंकेट मैंने उसका धुलने डाल दिया है। अभी वो सो रही है, तो सोच रही हूँ जल्दी जल्दी थोड़ा काम निपटा लूँ अपना। और आज मैंने, आप लोग को ऐसे नहीं दिखेगा, मैं अभी दिखाती हूँ, आप लोग देख रहे हैं, मैंने बेसिन काफ़ी अच्छे से क्लीन हो चुकी है। मैंने बहुत अच्छे से इसको क्लीन किया हुआ है, और वॉशिंग मशीन भी आज मैंने साफ़ करी थी। आपको धूप की वजह से ज़्यादा क्लियर नहीं दिख रही, क्योंकि यहाँ पे दोपहर के टाइम काफ़ी अच्छी धूप आ जाती है। आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे छाया है, यहाँ पे धूप है। सो गैस, मैंने अपनी वॉशिंग मशीन भी क्लीन करी थी। आप लोग अंदर, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, मैं अंदर भी काफ़ी अच्छे से क्लीन किया हुआ है। एंड ये मेरा कूलर है, ये भी मैंने आज क्लीन किया हुआ था। धूप की वजह से आप लोगों को कुछ क्लियरिटी नहीं आ रही है। थोड़ा लेट गई हूँ अपने बेड पर, क्योंकि मेरे आज कमर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। कमर में इसलिए मेरे दर्द हो रहा है, क्या बताऊँ, मैं तो लुढ़कती पुड़कती रहती हूँ कहीं ना कहीं। आज गाइस ऐसा हुआ ऐसा हुआ, मैं मॉर्निंग में थोड़े काम निपटा चुकी थी, आप लोगों को बताया भी था मैंने, थोड़ा काम अपनी बेटी को रेडी वेडी करने के बाद मैं नीचे अपनी मम्मी जी को दे आई थी, मम्मी पापा को। मैंने कहा मम्मी आप लोग तब तक इसको देखो, मैं तब तक अपना थोड़ा बहुत और काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि मैं, मुझे वॉशरूम भी धुलना था, ये सारे काम, वॉशिंग मशीन और कूलर, वेशिंग, बाथरूम, मतलब बहुत सारा काम सब क्लीन करना था मुझे। मैंने मम्मी से कहा मुझे थोड़ा टाइम लग जाएगा, मुझे नहाना भी है, सो तब तक आप इसको देखो। बस यही हुआ, मैं वॉशिंग मशीन क्लीन कर लिया, कूलर क्लीन कर लिया, वेशिंग क्लीन हो गया, बाथरूम भी क्लीन हो गया, सब क्लीन हो गया, तब उसके रोने की आवाज़ मुझे सुनाई दी। सो मैंने सोचा अभी हल्का हल्का रो रही है, तब तक गली फटाफट मैं नहा लेती हूँ। इससे वो रोती, इतना ज्यादा रोई, इतना रोई, पता नहीं आज उसको क्या हो गया, फर्स्ट टाइम ऐसे उसने किया आज, मम्मी पापा को उसने पूरे घर में नचा डाला। अरे मुझे बाथरूम में इतनी तेज उसकी आवाज आ रही थी, मैं इतनी जल्दी जल्दी काम सब करने में लगी थी, पता नहीं क्या हुआ, मेरा सिर कहाँ बाथरूम में टकराया, मैं फटाक से स्लिप हो गई जमीन पे। सो गाइस मेरी कमर में लग गया। अभी सुबह मॉर्निंग के टाइम तो नहीं मुझे समझ में आया, बट अभी जब चल रही हूँ तो थोड़ा थोड़ा दर्द हो रहा है। और गैस, और पता है आज मैंने क्या किया बाथरूम में, मैंने सोचा क्या, मैं गर्म पानी वाला गीजर जैसे ही मैंने ऑन किया, ऑन करने के बाद मैंने नल खोला, नल खोलने के बाद वो खुल गया दूसरा नल, दिमाग क्योंकि नीचे था बेटी की तरफ कि वो रो रही है, और मैंने शॉवर वाला नल खोल दिया, शॉवर में से जैसे ही मेरे ऊपर पानी गिरा, बाप रे इतना ज्यादा मेरा सर चकरा गया। एक तो मैं गिरी, दूसरा ऊपर से वो पानी शॉवर का गिरा एकदम ठंडा ठंडा, मैंने कहा मर गई, आज तो बच गई मेरी बैंड। अरे मैंने कहा चलो ठंडे से नहाए थे, उसी वजह से आज इतना ज्यादा मेरा सर भी पकड़ के बैठी हुई दर्द हो रहा है। बस अभी बाल भी नहीं सुलझाए हैं, हल्की ठंडी ठंडी लग रही है, धूप भी कम हो गई है। तो गाइस यही हुआ आज मेरे साथ। और पता है जैसे ही पापा उसको मेरे पास देखे के ऊपर, तुरंत शांत, एक मिनट में ही शांत हो गई मेरे पास आते ही, पता नहीं क्या हो गया, आज मम्मी पापा को ढंग से नचा दिया। पता है मैं यही सोच सोच के काफी देर से हंस रही हूँ, मैंने कहा आज तो बैंड बजा दी मम्मी पापा की मिलके दोनों लोग की इसने। और बस अभी आराम से मैंने उसे फीड वीड करा दिया है, अब वो सो रही है आराम से, तो इसी वजह से सोचे उसके थोड़े कपड़े वगैरह पड़े थे, क्योंकि मैंने कपड़े भी बहुत जल्दी जल्दी चक्कर में नहीं करवा, मैं ऐसे ही बाथरूम में सब छोड़ छाड़ के जल्दी जल्दी नहाया,
जल्दी जल्दी चक्कर में सब ऐसे काम पड़ा हुआ है, बस थोड़ा बहुत निपटा रही हूँ धीमे धीमे, उसके जागने से पहले सब काम निपटा लेती हूँ। ओ नींद तो आ रही है, लेकिन अभी मेरी नानी बिटिया तो सो रही है, सोने का तो मेरा मन अब काम पड़ा, पता नहीं मेरा क्या है, अगर कहीं भी कोई भी काम फैला होता है ना तो बस ये लगता है ये पहले क्लीन कर लो फिर सो जाते, ये पहले क्लीन कर लो फिर हो जाते, भले एक कोना दिख गया तब तक दूसरा कोना दिख गया, यहाँ ये पड़ा यहाँ ये कपड़े पड़े, इस चक्कर में मैं सो ही नहीं पाती, पता नहीं क्या मुझे सफाई का बहुत सब आ रहा है, इतनी डांट पड़ती है इतनी डांट पड़ती है सफाई के चक्कर में कि मैं बता नहीं सकती, बस दिन भर सफाई 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 करनी है। सो गाइस चलो देखती हूँ जाके, अभी वो जाग रही है सो रही है। हेलो गाइस, आप लोग बताइएगा आज मैं कैसी लग रही हूँ, मैंने आज थोड़ा सा मेकअप किया हुआ है अपनी आंखों के ऊपर, ये मैंने आईलाइनर नहीं लगाया है, ये काजल ही है ब्लू कलर का जो मैंने मैंने नीचे अप्लाई किया वही ऊपर लगा हुआ है, थ्रेडिंग तो मेरी बनी नहीं है तो इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया है, ओनली मैंने कॉम्पैक्ट लगाया हुआ है एंड और ये सेट लगाया है रेड नहीं मेहरून कलर का है ये सेट, और मैंने कुछ इस स्टाइल इस तरीके से अपनी हेयर स्टाइल करी है, आप लोगों को दिख रहा होगा मिरर में, मैं तभी आई हूँ मिरर के सामने कि आप लोगों को सही से दिख जाए मैंने किस हिसाब से अपनी हेयर स्टाइल बनाई हुई है, आप लोग को शायद क्लियर नहीं, मैंने यहाँ पे ये रोल किया हुआ है यहाँ पे मतलब राउंड में किया है, यहाँ भी यहाँ छोटा राउंड है यहाँ बड़ा राउंड, और आप लोग मुझे जरूर बताइएगा आज मेरी हेयर स्टाइल एंड टूटा फूटा मेकअप आप लोगों को कैसा लगा, ज़्यादा अच्छा तो नहीं होगा, मैं ज़्यादा तो नहीं करती हूँ, कभी कभी मन होता है करने का, आज सोचा आप लोगों को करके दिखा दूँ मेकअप में। आज मैंने ये पिंक कलर का कुर्ता डाल रखा है, मैंने इसके अंदर इनर पहनी हुई है और इस पे दिख रहा है आप लोगों को, इस पे भी मैंने ये व्हाइट कलर का प्लाजो पहना हुआ है, इस पे ये फुल वर्क है चिकन का, इन दोनों में फुल चिकन का ही काम है जैसे कि आप देख रहे हैं, ये व्हाइट प्लाजो है इस पे फुल चिकन है, ये कुर्ते पे भी फुल चिकन का वर्क है, आज यही पहन लिया, मूड हुआ क्योंकि मुझे मॉर्निंग में ठंडी लग रही थी बट अब गर्मी लग रही है, सो गाइस मैंने यही डाल लिया है इसके अंदर, बट मैंने इनर पहन रखी है क्योंकि ठंडी गर्मी होती रहती है तो ज्यादा मुझे तो भाई थोड़ा थोड़ा अपना हेयर स्टाइल ठीक लगाए, तो आप लोग बताइएगा, ये है मेरी माता रानी, ये मेरी माता रानी बहुत ही अच्छी है, मुझे जब भी कुछ मांगना होता है तो मैं इन्हीं से मांगती हूँ, मेरा जब प्रेगनेंसी का टाइम था तो मैं डेली प्रे इन्हीं से करती थी जाके कि माता रानी मेरे नॉर्मल डिलीवरी हो जाए अच्छे से हो जाए स्वस्थ बेबी हो अच्छा हो, सो गाइस यही हुआ, मेरी बेटी बहुत ही स्वस्थ हुई थी 3 किलो की हुई थी और नॉर्मल डिलीवरी हुई है मेरी, यानी कि मेरा पूरा 9 मंथ बेड रेस्ट चला है, बेड रेस्ट होने के बावजूद भी मेरी नॉर्मल डिलीवरी होना आप लोग समझ सकते हो ना, आजकल तो हर जगह सिजेरियन ही चल रहा है बट बेड रेस्ट होने के बाद भी मेरा नॉर्मल डिलीवरी हुआ है, बस इन्हीं की कृपा है माता रानी की जो सब कुछ अच्छा किया है इन्होंने, बस मैं पूजा पाठ 9 मंथ करती रही थी कंटिन्यू, मेरी पूजा पाठ बिल्कुल बंद नहीं हुई थी, सो गाइस अभी अपनी बेटी को भी नीचे देखती हूँ जाके क्या कर रही है, देखो उससे आपको मिलाती हूँ क्या कर रही है, अभी चलती हूँ चलती हूँ, अभी मुझे नीचे का रूम भी क्लीन करना है, नहीं किया हुआ आप लोगों को दिखा रही हूँ, दोनों लोग सो रहे हैं,
मम्मी भी सो रही हैं, मेरी यहाँ बेटी भी लेटी हुई है। ये देखो मैं बस इसको उठा के अपने रूम में ले जाने वाली हूँ। मैं धीमे आप लोगों से इसलिए बात कर रही हूँ कि वो कहीं जा ना जाए, और आप लोगों को और भी कुछ दिखाती हूँ। यहाँ से शायद हाँ दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, वो उधर साइड में प्रेस वाला खड़ा हुआ है जो मैंने उस दिन बताया था ना, वो कंटिन्यू हमारे यहाँ आता है। और ये कुछ लोग बैठे हुए हैं जो पता नहीं कुछ गेम वगैरह अपना खेलने में जुटे हुए हैं, बच्चे खेल रहे हैं और मैं अपना ब्लॉग बना रही हूँ। सब लोग अपने अपने काम में लगे हैं है। और इसको जैसे ही उठाते ही ये जाग जाती है। ये देखो क्या कर रही हो बेटा, मम्मा ने थोड़े बहुत काम निपटा लिए हैं। हाँ आपको अपने रूम में लेके चल रही हूँ, है ना, मम्मा ने चूली चूली काम निपटा लिया है। और मम्मा की लिपस्टिक और मेरी एनी के कपड़े लैस लैस हो गई है, छेम छेम हो गई है, छेम छेम हो गई। देखिए कौन आ गया है, कौन आया है, बुआ आ रही है, एनी की बुआ आ रही है। ये देखो तुम फिर, ये बुआ आ गई है एनी की। ये कैमरा में आती नहीं है, पता नहीं क्यों भाग जाती है, कहती है तुम तो बस तुम तो कर पाती है खाली, हटाओ कैमरा। अब कह रही हटाओ कैमरा, निकल जाओ, मैं नहीं ले रही, ऐसे निकल जाओ। अब तू रेडी वेडी हो ना तब करेंगे। हाँ बोल रही है मैं रेडी नहीं हूँ, मेरी बस ऐसी ये करती रहती है, दुनिया भर के ब्लॉग बनाती रहती हूँ। मैंने कहा ठीक है जब अब आज से रेडी हो जाना तब के तू बाबू लेजे, है ना, चलो अब यहीं पे थोड़ा बाबू तो खीर पीट करा दे, उसके बाद बात करते हैं आप लोगों से। शायद किसी का ट्रैक्टर आ रहा है, ट्रैक्टर मतलब किसी का काम हो रहा है, लगता है ईंट वगैरह आ रही है। हमें मैं ये क्या लिए हूँ, मैं लिए हूँ रोशनी, हाँ एक ये कपड़े धुलने वाला रिन साबुन सर्फ एक्शन, और ये क्या विम बर्तन के लिए, एंड ये स्क्रब। तो गाइस मैं अभी साबुन ख़त्म हो गया था, सारे नीचे रखे हुए हैं, तो मैं नीचे से एक ये वाला कपड़े धोने के लिए साबुन लेके आया हूँ, क्योंकि यहाँ आपको मैंने बताया हुआ था मैं अपने बड़ी कपड़े अपने हाथों से ही वॉश करती हूँ, तो मैं इससे ही कपड़े धुलती हूँ। और वॉशिंग मशीन के लिए स्पेशल मैं अलग से रखती हूँ, वॉशिंग मशीन में पाउडर यूज़ किया जाता है, और ये बर्तन धुलने के लिए स्क्रब, और ये विम लेके आई हूँ, क्योंकि रात में हम लोग जो भी खाना पीना खाते हैं तो ऊपर ही बर्तन वॉश करके नीचे रख देती हूँ जाके। सो गाइस बस अभी जा रही हूँ, एक्स्ट्रा मैं बस लेके रख लिया था, अभी कपड़े पड़े हुए हैं सो उनको मैं थोड़ा जल्दी धुल दूँ जाके। एनी को मैंने दे दिया, प्रीति नीचे लेके गई हुई है, सो बस सब कपड़े धुलने जा रही हूँ। उन फ्रेंड्स ये सोने के मूड में पूरा थी, पापा मुझे ऊपर दे गए थे कि इसको सुला दो, और ये ऊपर आते ही बस अभी पॉटी शॉटी करी है, उसके बाद मैंने साफ वाफ करने के बाद बस अब तो ये खेल रही है। सोच अभी बज रहा है 3:15, तो फेर का 3:15 हो रहा है, सोच रही हूँ बस ये सो जाएगी, ज्यादा टाइम नहीं लेगी, लेकिन हो भी सकता है, कल तो इसने यही किया था, कल शाम को 8 बजे सोई थी, 2 बजे जाग गई थी, अब पता नहीं। देखो सुलाने की कोशिश तो करती हूँ, अगर ये सो जाए तो आज मैं भी गैस सो जाऊंगी, कमर में दर्द भी है तो मैं भी आज सो जाऊंगी। बस गैस मैं अपना ये ब्लॉग ज्यादा नहीं बढ़ाऊंगी, क्योंकि मेरे ब्लॉग बहुत ही बड़े हो जाते हैं, सो गैस मैं अपना ब्लॉग ज्यादा आगे ना बढ़ाते हुए, ये क्या कर रही है बेटा, मैं बढ़ाते हुए आप मामा आपसे बात करें, बताओ
आपसे बात कर रही हैं। हाँ आपसे ही बातें कर रही हैं मामा, आपसे ही बातें कर रही हैं। हाँ बोल दो सबको बाय बाय, टेक केयर। मम्मा का पिट्टू दिख जाएगा, मम्मा का पिट्टू दिख जाएगा। ऐसे निकलती है, ऐसे निकलती है, गंदा गंदा होता है। हाँ मम्मा जो पिट्टू दिख जाएगा। ओ अली मम्मा का दिख दिख के, मम्मा का दिख दिख बातें हो रही है। हाँ चलो गाइस, अब मैं इसको सुलाने जा रही हूँ, आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।